गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये घटना है मेरे सतगुरु जी महाराज श्री श्री 1008 योगी राज महामंडलेश्वर स्वामी मोहनदास जी महाराज की। उनकी शक्तियां अपरंपार हैं, उनकी महिमा अपरंपार है और कितनी हजारों उनकी चमत्कारों की, उनकी शक्तियों की कहानियां हैं जो हमने देखी भी हैं, अनुभव भी करी हैं, सुनी भी हैं और सुनाई भी हैं। उसमें से सबसे ज्यादा जो मुझे मजेदार लगता है कि उनके जो भक्त हैं, कैसे वो उनके भक्त बने, कैसे उनको पहले दर्शन हुए। तो उनमें से एक कहानी है सुभाष जी मिश्रा जी की, जो कि जलंधर के पास ही रहते थे, कि उनका अहंकार कैसे टूटा और वो कैसे भक्त बने। तो हमारे सद्गुरु जी महाराज का बहुत बड़ा आश्रम है जलंधर में, जो पंजाब स्टेट में है, और उसके साथ साथ ही एक जगह है अलावलपुर, वहाँ के सुभाष जी मिश्रा रहते थे। तो वो एक बारी स्वामी जी के लिए सरसों का साग और मक्खन टिफिन में भर कर लाए। आकर स्वामी जी से बोले कि महाराज, मैं आपके लिए साग लाया हूँ, आप गरम करवा कर भोग लगा लें। स्वामी जी ने कहा कि सुभाष जी, हमने तो आपको सूखा साग लाने के लिए कहा था और जो साग आप लाए हैं वो तो बहुत थोड़ा है, देखो संगत कितनी ज्यादा है, तो जब संगत खा लेगी मैं तो तभी खाऊंगा। सुभाष जी जिद करने लगे कि आज आप भोग लगा लें और मैं संगत के लिए बाद में साग भिजवा दूंगा। स्वामी जी ने कहा कि साग का टिफिन तो खोल के दिखाओ, देखे तो सही कि कैसा साग बना है। जब मिश्रा जी ने टिफिन खोला तो वो खाली था। स्वामी जी हंसकर कहने लगे कि मिश्रा साहब, आजकल भी आप हमारे साथ मजाक करते हैं। तो उनके पास ही बैठे हुए थे बलदेव जी कौशल साहब, उन्होंने कहा, सुभाष जी आप साग लाए ही नहीं, खाली टिफिन ही उठा लाए, आपको याद ही नहीं रहा कि आपको इसमें साग भी डालना था। तो सुभाष मिश्रा जी ने उत्तर दिया कि नहीं नहीं कौशल साहब, मैं तो खाली टिफिन नहीं लाया, मैंने अपने सामने ही साग की पैकिंग करवाई थी। और ये कहते हुए सुभाष जी अलावलपुर वापस आ गए। अब दूसरे दिन मिश्रा साहब ने टिफिन लिया, अपने सामने उसमें साग भरवाया और वो वापस आश्रम आए। तो जब वो आश्रम आए तो उस समय कीर्तन हो रहा था। सुभाष जी ने कहा कि महाराज, आज तो मैं अपने हाथों से टिफिन भरवा कर लाया हूँ और इसके अंदर साग है, आज ये खाली हो नहीं सकता। स्वामी जी ने कहा, अच्छा ये बात है, तो फिर से खोलो। तो जब टिफिन दोबारा से खुला, आज भी वो खाली था। महाराज जी हंसकर कहने लगे कि मिश्रा जी, क्या आपको हमारे साथ ही मजाक की सूझती है? तो सुभाष जी ने बहुत विनम्र भाव से कहा, महाराज श्री, मुझे नहीं पता था कि आप समर्थ हैं, जो चाहे कर सकते हैं, मेरे अंदर अहंकार था, आज वो चूर हो गया। तो स्वामी जी ने कहा, अब आप टिफिन बंद कर दें, आज तो हम जरूर आपका लाया हुआ साग खाएंगे। तो जब शाम की आरती हो गई और कीर्तन बंद होने के बाद, तो उसके बाद सारी संगत एक लाइन में बैठ गई और सतगुरु जी महाराज ने मक्की की रोटी बनवाई और फिर उन्होंने कहा कि अब फिर से टिफिन खोलो। तो जब वो टिफिन खोला गया तो एक टिफिन में साग भरा पड़ा था। तो सुभाष जी ने कहा, कौशल साहब, मुझे तो यह पता ही नहीं चला कि मेरी आंखें धोखा कैसे खा गईं।
ये हुआ कैसे? यह सुनकर स्वामी जी मुस्कुराए और उन्होंने कहा, सुभाष जी, यह सब जानने की कोशिश भी ना करना, कभी पूछना भी मत कि ये क्या हुआ और कैसे हुआ। और उस दिन के बाद, उसी समय के बाद, सुभाष जी का अहंकार ऐसा टूटा कि वो सतगुरु जी महाराज के भक्त बन गए। तो हमारे सतगुरु जी महाराज योगी राज महामंडलेश्वर स्वामी मोहनदास जी महाराज की जय।